हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? और आज बैंक निफ्टी में कैसा क्या ट्रेड रहा, थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एक रेड कैंडल बनी हुई है, और एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे थोड़ा सा तो एक दूर से बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है, और अच्छी खासी तगड़ी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है मार्केट। और अगर डे टाइम फ्रेम लगा के देखेंगे बैंक निफ्टी को तो इसमें भी एक रेड कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे एक बार, तो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, वन आवर के टाइम फ्रेम में भी डिस्कशन करते हैं क्या है, उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। एक तो डे टाइम फ्रेम, दूसरा 1 आवर का टाइम फ्रेम, और तीसरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये लेवल निकालने के लिए बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है। और अगर देखेंगे एक 1 आवर का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में, तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में। ये ट्रेंड लाइन के पास में आके बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया है। और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बैंक निफ्टी में ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैंने कल लगा के बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, अब उसमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है और कैसी आ रही है करके, ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन मैंने कल बताया था। इस ट्रेंड लाइन के पास में ही क्लोज़ किया था मार्केट ने, और आज थोड़ा सा ट्रैप कर दिया इस ट्रेंड लाइन को। जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने ट्रेंड लाइन को, जैसे ही ब्रेक किया मार्केट में बैंक निफ्टी ने, तो उसके बाद में जस्ट 3-4 कैंडल वहीं वहीं साइडवेज करके रहा, और उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के डाउन आ गया मार्केट बैंक निफ्टी में, ठीक है। और उसके बाद में जो मार्केट था, ये नीचे से एक सपोर्ट के पास में आके अच्छी खासी 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें एक हैमर कैंडल बना दिया मार्केट ने। अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो था, ये वाला एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, लेकिन इस सपोर्ट के पहले ही मार्केट अपसाइड में, उसके पहले ही मतलब एक हैमर कैंडल बनाया और अपसाइड में चला गया। और फिर से आज ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक करके अपसाइड चला गया, उसके बाद फिर डाउन आ गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो करने दे रहे हैं सेलर्स, लेकिन उसके बाद हम फिर से डाउन साइड खींच के लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट और अगर देखेंगे रेजिस्टेंस, अगर ऐसे बैंक निफ्टी में मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो पहला जो सपोर्ट बन रहा है, पहला सपोर्ट ये बन जाएगा अब 47,884 का। और अगर जो सेकंड जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 47,760 का, और थर्ड सपोर्ट बनेगा 47,591.90 का कहा जाए तो, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में, ये रहेगा 47,485 का। और अगर अपसाइड में देखेंगे थोड़ा सा, तो अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है, पहला जो रेजिस्टेंस है, पहला तो ट्रेंड लाइन है। और अगर उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस देखेंगे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा 48,320 का। और अगर 48,320 को निकालता है तो एक और छोटा सा रेजिस्टेंस है 48,450 का, ठीक है। 48,450 को अगर निकाल दिया बैंक निफ्टी ने,
फिर ये ऑल टाइम हाई के पास में एक रेजिस्टेंस है, कहा जाए तो 48,500, 48,600 का, 48,600 का रेजिस्टेंस है। फिर 48,600 को निकाल लेता है तो ये ऑल टाइम हाई में पहुंच जाएगा मान लो। और ऑल टाइम हाई में पहुंच गया तो फिर समझ ही सकते हैं कि कैसा मार्केट रहता है ऑल टाइम हाई में पहुंचने के बाद। खुला नीला आकाश रहता है, जहाँ चाहे सिक्स मार सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है सपोर्ट रेजिस्टेंस मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी अब थोड़ा सा ध्यान देना स्ट्रेंड लाइन का और मार्केट का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देना मार्केट को, एक दो कैंडल देख लेना 15 मिनट की, उसके बाद में ट्रेडिंग चालू करना। ओके, थैंक यू।